असलम आई होप यू आर आर फाइन क्लास वियडिंग अवर टॉपिक पाकिस्तान की नज़रियासाज़ आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ पाकिस्तान इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द एलमेंट्स द फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी वो कौन कौन से अनासर थे जिनको रीज़न बना के जो नज़रिया पाकिस्तान था वो सामने आया था नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ अ तो मसात इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इस्लाम ब्रदरहुड को सबसे पहले डिस्कस करते हैं यानी ब्रदरहड अहत किसे कहते हैं यानी हम हर इंसान को ऐसे ट्रीट करें जैसे हम अपने सगे बहन भाई को ट्रीट करते हैं एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रदरहुड इज़ मवाहत मदीना यानी जब रसूल पाक और साहबा इक्राम ने मक् से मदीना हिजरत की थी तो रसूल पाक सली वम ने एक, -एक अनसार को और एक, -एक महाजिर को भाई डिक्लेयर किया था और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारी थी कि वो आपस में सगे भाई हैं सो दिस वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल और इस्लाम हमें यही चीज़ सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ जो अहूवत है यानी उसके साथ भाईचारा रखना चाहिए उसके साथ ऐसे पेश आना चाहिए उसको उसके हकूक़ देने चाहिए किसी का हक़ नहीं मारना चाहिए सबसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए और मोहब्बत के साथ ही रहना चाहिए तो यही सारी टीचिंग्स हैं हमारे इस्लाम की जिसकी बेस पे हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं नाउ मूव फॉरवर्ड एंड सी द टीचिंग्स ऑफ़ ब्रदरहुड जो कि आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाट आर द टीचिंग्स ऑफ़ ब्रदरहुड अहूत हमें किस चीज़ का दर्ज देती है तो ये हमें क्या चीज़ सिखाती है कि हमें एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ हैं वो अच्छे रखने चाहिए एक दूसरे का हक़ नहीं मारना चाहिए उसके हकूक उसके राइट्स उसे प्रोवाइड करने चाहिए और जो वीक हैं सोसाइटी में उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनके ऊपर जुल्मी करना चाहिए इसी के हवाले से रसूल पाक सली वम का इर्शाद है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी अदर मुस्लिम वो इसके साथ धोखा नहीं करता ही डू नॉट कमिट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इसके साथ हयानत नहीं करता हयानत मीन्स चीट निदर ही चीट्स और उसकी गिब्बत नहीं करता नॉट टू बैग बाइटिंग विद हिम यानी जो मुसलमान हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह रहते हैं एक दूसरे के भाई हैं। वो उसके साथ ना उसको धोखा देता है और ना ही उसकी हयानत उसके साथ चीट करता है उसके पीछे से उसकी बुराई भी नहीं करता ये इर्शाद था रसूल पाक का जो उन्होंने ब्रदरहुड के हवाले से फरमाया था और यही आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि वट डिड होली प्रॉफिट से अबाउट ब्रदरहुड उन्होंने अहूद के हवाले से क्या इर्शाद फरमाया था तो आपने ये इर्शाद लिखना है उसमें अब हम डिस्कस करते हैं इक्वालिटी मीन्स मसावत इक्वालिटी का मतलब क्या होता है बराबरी यही इस्लाम का एक बेसिक एलिमेंट भी है कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी को किसी के ऊपर फोकियत नहीं है इसी के हवाले से जो इलाम इकबाल हैं उन्होंने क्या इशात फरमाया था जो आप सामने अपने शेयर देख रहे हो एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज महमूदो अयाज ये दो नाम महमूद कौन था बादशाह उसका ग़ुलाम था अयाज ना कोई बंदा रहा बंदा मीन्स ना कोई गुलाम रहा और ना कोई बंदा नवाज यानि उस बंदे को नवाजने वाला ये कॉन्सेप्ट लिया गया बेसिकली नमाज से जहाँ पे सारे एक साथ एक ही लाइन में नमाज़ पढ़ते हैं जहाँ पे कोई बादशाह नहीं होता कोई गुलाम नहीं होता कोई अमीर गरीब ये कॉन्सेप्ट नहीं होता नमाज के टाइम सारे इक्वली एक ही जगह पे नमाज पढ़ते हैं तो इनाम इकबाल ने यह फरमाया इक्वालिटी के लिए कि जो सारे इंसान हैं वो बराबर हैं और यही आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि वट डिड इकबाल से अबाउट इक्वालिटी उन्होंने इक्वालिटी के हवाले से मसाद के हवाले से क्या फरमाया तो आपने ये शेर है उसमें लिखना है और जो इंग्लिश मीडियम है उन्हें भी पता है उन्होंने ये शेर उर्दू में ही लिखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है अब देखते हैं कि रसूल पाक ने क्या इर्शाद फरमाया था इक्वालिटी यानी मसाव के हवाले से जो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि वट डिन होली प्रॉफिट से अबाउट इक्वालिटी ओ पीपल ऑल ऑफ़ यू हैव वन गॉड एंड ऑल मैन काइंड इज़ दफ्सप्रिंग ऑफ एडम ए लोगों बेशक तुम्हारा रब भी एक है और तुम्हारा बाप भी एक है एंड अरब हैज़ नो सुपेरियरिटी ओवर अ नॉन अरब नॉर अ नॉन अरब हैज़ एनी सुपेरिटी ओवर एन अरब ऑल्सो वाइट हैज़ नो सुपेरियरिटी ओवर अ ब्लैक नॉर अ ब्लैक हैज़ एनी सुपेरिटी ओवर अ वाइट आगा रहो किसी अरबी को किसी अजमी पर किसी अजमी को किसी अरबी पर किसी सफ़ेद फाम को किसी स्याह फाम पर और किसी सयाह फाम को किसी सफ़ेद फाम पर कोई फजीलत हासिल नहीं फजीलत का मैार सिर्फ तकवा है यानी तमाम इंसान बराबर है कोई किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता है किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है कोई सफ़ेद है कोई काला है अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम इंसान बराबर है अगर कोई अफजल है तो वो इस बात पे कि वो कितने अच्छे अमाल करता है और इसी के बेस पे उसको अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला करार दिया गया है और इसी के हवाले से अल्लाह ताला ने भी इशाद फरमाया है लोगों हमने तुमको एक मर्द और, और औरत से पैदा किया जो कि आपका कैम से क्यों भी है और तुम्हारी कॉमें और कबीले बनाएँ ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो ये सूरतुल हजरात की आयत नंबर तेरह जिसमें इर्शाद फरमाया अल्लाह ताला ने भी वही बात बताई है हमें कि जो तमाम इंसान है अल्लाह ताला ने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया ताकि तमाम इंसान जो आपस में हैं हम ये बता सकें कि वो बराबर हैं अगर जो हमने उनकी कॉमें जो हैं जो ट्राइब्स हैं बनाई हैं वो इसलिए बनाई हैं ताकि हम एक दूसरे की पहचान कर सकें शनाख्त कर सकें और इसके बनाने की कोई वजह नहीं थी और अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला वही है जो ज़्यादा परहेज़गार है यानी जो अच्छे काम करते हैं अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करते हैं तो यही चीज़ बार बार आपको डिफरेंट आयात के थ्रू डिफरेंट हदीसों के थ्रू बताई गई है कि जो इक्वालिटी है वो तमाम इंसानों में पाई जाती है और इस्लाम का एक बेसिक एलिमेंट है ठीक है तो बच्चों यही आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि अल्लाह तला ने मसावत के हवाले से क्या इशार फरमाया उसमें आपने ये आयत लिखनी है अगर आप आयत का तर्जमा तो आपने फॉरश्योर लिखते हैं अगर आप आयत भी याद करो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है उसके बाद हम अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं जस्टिस एंड एकटी इंसाफ। अदलो इंसाफ किसे कहते हैं टू प्रोवाइड एवरी वन इट्स राइट कि हम हर एक को उसके जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड करें यानी एक माशरे में यानी सोसाइटी में हर इंसान को इंसाफ के साथ उसका हक मिले क्योंकि अगर हम ना करते हैं किसी के साथ किसी सोसाइटी में तो वो मुशरा तबाह हो जाता है इसलिए ज़रूरी है कि इंसाफ के साथ पेश आया जाए हर एक उसका हक़ दिया जाए और इसी के हवाले से रसूल पाक ने इर्शाद फरमाया लेकिन वो इर्शाद देखने से पहले हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि किस वजह से उन्होंने ये फरमाया अरब के एक कबीले बन महजूम की एक औरत ने चोरी की थी ये वो कबीला था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था ताकतवर था और बहुत फेमस था तो लोगों ने सिफारिश की क्योंकि उसे सजा सुनाई गई थी कि उसके हाथ काट दी जाए इस्लाम के अकॉर्डिंग क्योंकि इस्लाम यही सज़ाए कि जो चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाए तो लोगों ने वहाँ के लोगों ने सिफ़ारिश की कि उसे माफ़ कर दिया जाए तो उस मौके पर रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने शदीद गुस्से में आकर इर्शाद फरमाया द पीपल बिफोर यू व डिस्ट्रॉड बिकॉज दे यूज़ टू इन्फ्लिक्ट लीगल पनिशमेंट्स ऑन द पुअर एंड फॉर गेव द रिच बाम इन होज हैंड माई सोलिस इफातिमा द डॉटर ऑफ प्रॉफिट डि डैड आई वुड कट ऑफ हर हैंड तुमसे पहले कोमें इसलिए तबाह बर्बाद हो गई कि इनमें से कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो इसको सजा आ, तो इसे सजा नहीं दी जाती थी और अगर कोई छोटा आदमी जुर्म करता तो उस पर हद लागू कर दी जाती थी खुदा की कसम अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं इसका भी हाथ काट देता तो इस मौके पे आपने फरमाया कि तुमसे पहले जो कौमें थी वो इसलिए तबाह होती थी कि अगर कोई बड़ा आदमी कोई गलत काम करता था तो उसे सजा नहीं दी जाती थी या बहुत कम सजा मिलती थी लेकिन अगर कोई छोटा आदमी कोई गरीब आदमी जिसके पास कोई पावर्स नहीं थी वो कोई गलत काम करता था तो उसे उसकी पूरी सजा मिलती थी तो इस वजह से वो कमें तबाह हो गई थी क्योंकि ऐसी सोसाइटी ऐसी ऐसा माशरा जहाँ पर इंसाफ ना हो लोगों का हक मारा जाए तो वो बिल्कुल तबाह हो जाता है तो इसलिए ज़रूरी है कि जो बेसिक एलिमेंट है हमारे इस्लाम का कि हमारी सोसाइटी में इंसाफ होना चाहिए हर एक को जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए ताकि सारे इंसान बराबरी के साथ रह सकें कानून की पाबंदी की जानी चाहिए और साथ ही साथ जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करना चाहिए तभी हम जाके एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जो कि एक जो दूसरे लोगों के लिए भी मिसाल बन के सामने आए अगर हम इस्लामिक टीचिंग्स को जो आयात हैं जो हदीसें हैं उनको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी गुजारें तो ये वो बेसिक एलिमेंट्स थे जो भी हमने देखे आई होप क्लास यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक सो नाउ व्हाट इज़ योर टास्क आपने इस वीडियो को देखने के साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपको बताए गए हैं वो आपने मार्क करने हैं और इस टॉपिक को याद करने के बाद अपनी कॉपीज या रजिस्टर्स के ऊपर लिखने है ओके सो डू यू वर्क प्रॉपरली अल्लाह हाफिज़